कुछ टाइम पहले मैं रो की जो है मिस्टेक्स बताता था और काफी सारे पेपर व्यूज की मिस्टेक बताता था। इसके चलते चलते कि मैंने डिसाइड किया था कि बड़े पेपर व्यूज की मिस्टेक्स तो मैं बताया करूंगा, बट एवरीडे रो की जो मिस्टेक्स है वो ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद काफी सारे आप में से लोगों को वो पसंद नहीं आती, बट काफी लोगों को आती भी है मुझे पता है। बट जब तक कोई बड़ी मिस्टेक नहीं होती तो मैं तब तक उस शो को नहीं लेता। और इस बार बहुत सारी बड़ी मिस्टेक्स हुई है जो की पिछली बार हुई थी और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिपीटेड की है, जिसमें की कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, बट आप में से बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं वो पिटिशन भरने लग जाते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में गलत कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज फेक होती है और क्या असली होती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और क्या फेक हुआ था आज की रो में। आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं हरमन, चलिए वीडियो में चलते हैं। कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक मेजर कॉमन मिस्टेक हुई थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, वो थी मेन इवेंट में। जब लास्ट में हमने देखा कि जोसन जॉर्डन और सेथ रॉलिंस के बीच कुछ बात चल रही थी और इमीडिएटली आकर फिन बैलर ने जो है अपना सिग्नेचर मूव सेथ रॉलिंस के ऊपर परफॉर्म किया, बट इतने टाइम में जो है सेथ रॉलिंस ने जरूर देखा होगा कि कितनी देर में वो ऊपर चढ़े फिन बैलर, भागते भागते उसकी तरफ आए। सिर्फ जोसन जॉर्डन को पुश करने के साथ साथ वो खुद भी साइड पर जा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। और इसी के बाद अगर हम बात करें तो जोसन जॉर्डन को सिर्फ एक हल्का क्लोथ लाइन लगा था, जैसे कि जोसन जॉर्डन बहुत जल्दी ही वापस आकर वो पिन जो है तोड़वा सकते थे, बट उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। अगर उन्हें कुछ चाहिए था तो कुछ इस तरीके से होता कि वो डबल रनिंग ड्रॉप किक लग जाती, अगर पीछे से ही दोनों को लगती तो वो ज्यादा ठीक लगता वहाँ पे, बिकॉज वो सिग्नेचर मूव लगा हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वापिस उठ पाना। ये सिर्फ कॉमन मिस्टेक थी। उसके बारे में बड़ी मिस्टेक के बारे में बात करें तो वो थी जब मैच था सेड्रिक अलेक्जेंडर और एंजो अमोरे के बीच में। वो मैच काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, बट लास्ट में जाकर इमीडिएटली जो है वो ब्लड आने लग गया था एंजो अमोरे के सिर से, बट जब वो डॉक्टर ने साफ किया तो वो एकदम क्लीन साफ हो गया, जैसे नीचे कोई कट भी नहीं था, तो इतना सारा ब्लड कैसे आ गया? तो वो एक फेक ब्लड था। पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उसे क्यों यूज किया, या फिर एंजो अमोरे ने जानबूझकर कुछ किया, या ओपोनेंट ने जानबूझकर कुछ किया, या रेफरी का कुछ भी हो सकता है, तो इसी तरह का कुछ था, बट वो ओरिजिनल ब्लड नहीं था, वो फेक ब्लड था। गलती ये हुई, वो जो डॉक्टर था उसे लगा कि वो है जो है वो असली ब्लड है, तो उसने फटाफट उसका सिर साफ किया तो वो सारा का सारा ब्लड जो है वो गायब हो गया। बट यार जो वो मूव लगा था वो इंजरी बहुत ज्यादा डेंजरस थी, मुझे लगता है उनकी नी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आई होगी, अगर नहीं आई तो बहुत अच्छा है, बट मुझे लगता है 90% कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा पैर में। तो अगली और सबसे फाइनल अगर हम बात करें तो हमें पता है जैसे कि ब्रॉक लेसनर वापस आए थे लास्ट में, जो है किस तरीके से हमने देखा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने वो पिलर कितने सारे पड़े हुए वो खींच दिए, और उसके नीचे जो है ब्रॉक लेसनर और केन को बहुत ज्यादा भारी चोट लगी, पर ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ गाइस। सबसे पहले क्या हुआ था, वो पिलर जो है उनके जो स्टैंड है वो प्रॉपरली कनेक्टेड ही नहीं थे, और वो गिरने के बाद जितनी उसकी हाइट थी वो उतनी दूर गिरा ही नहीं, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि उसे रीएडजस्ट किया गया था, जिसकी वजह से कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो बहुत ज्यादा डिले हो गया। और सिर्फ ये ही नहीं, पहले सिर्फ केन लेटे हुए थे, फिर इमीडिएटली ब्रॉक लेसनर गायब हो जाते हैं, थोड़ी देर बाद अगर देखो तो उन दोनों में से कोई भी नहीं होता फोटोज में, जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही है। और जो नेक्स्ट फोटो आती है उसमें आते ही जो है दोनों सुपरस्टार्स जो है वो नीचे लेट जाते हैं, और एक एक चेयर यानी कि प्रॉपर वो पिलर होता है उसको सेट करके रखा जाता है, भी वो दबे बिना और लगे ऐसे कि इनको बहुत डेडली जो है इंजरी हुई है। तो वो 100% फेक और स्क्रिप्टेड था, जिसकी वजह से कि आज की रो लेट भी हुई और आने वाले ऑन ईयर में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई को उसे एडिट और कट करने में। ये लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा था, इस वजह से काफी सारी गलती पता लग गई, टीवी वाले पे देखने को काफी कम पता लगेगी, बट अगर WWE.com पर जाकर फोटोज चेक करें तो आपको पता लग जाएगा। तो ये मेजरली WWE स्टंट खेलती है। पिछली बार भी जैसे रोमन रेंस को स्ट्रेचर से धक्का दिया गया था, तो रोमन रेंस एक्चुअली वहां पर नहीं थे, वो खाली स्ट्रेचर को धक्का दे दिया गया था, बिकॉज वो पोजीशन बाद में चेंज हो गई, जिसके बारे में मैंने बताया था, और वो एम्बुलेंस भी जो थी वो खाली थी। ये सिर्फ WWE ब्रॉन स्ट्रोमैन को पावरफुल दिखाने के लिए करती है, जैसे कि WWE ने स्टार्टिंग दिनों में बिग शो और केन के साथ भी सेम किया था। ये थी कुछ तीन मिस्टेक जो कि मैंने पाई इसके अंदर। अगर कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको लगता है वो बड़ी है, वो मैं नहीं कैप्चर कर पाया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखी ले तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं हरमन।